नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत। मैं हूं विनय कुमार। प्रतिदिन की भांति मैं आप लोगों तक नव निर्वाचित प्रतिनिधि से रूबरू कराता हूं। अभी मैं जिस जगह मौजूद हूं उस जगह का नाम है मानसारा, जो कि गौड़ा बोराम प्रखंड के अंतर्गत आता है। लंबे समय से मैं इस पंचायत का रिपोर्टिंग कर रहा हूं। इस बार जो नव निर्वाचित ग्राम प्रधान हुई हैं, उनका नाम है इशरत प्रवीण और उनका पति का नाम है चांद भाई। इनके बारे में ज्यादा कहने का जरूरत नहीं, क्योंकि समाज सेवा और सेवा भाव से संकल्पित होकर विदेश से अपने पंचायत में आए हैं और पंचायतवासी का आशीर्वाद इनको इस बार मिला है। इलेक्शन पिछले पंचवर्षीय भी इन्होंने लड़ा, चंद वोटों से इनकी हार हुई, लेकिन अपनी सक्रिय भूमिका देते हुए 2021 में इलेक्शन जीते और ग्राम प्रधान बने। अब आपको मिलवाते हैं इशरत प्रवीण, ग्राम प्रधान मनसारा पंचायत के पति चांद भाई से। कितने कृत संकल्पित हैं कि विदेश में व्यापार को छोड़कर अपनी धरती पर अपने पंचायत में सेवा करने आए हैं। अब उनसे आपको रूबरू कराते हैं और जानते हैं कि वो विदेश से क्यों आए हैं, आखिर वो सारा काम छोड़कर अपने पंचायत में जो वो सेवा करने आए हैं, उनका क्या उद्देश्य है, क्या करना चाहते हैं मानसारा पंचायत के लिए। सर बैठिए बैठिए, नमस्कार। मुखिया पद से जीते, कैसा महसूस कर रहे हैं? ये तो जाहिर बात है कि मुखिया बनने के बाद कुछ होता है और खुश है, लेकिन दुखी इस बात से है कि हमारा पंचायत पिछले 15 वर्षों से बहुत पीछे है। आप अगर आकलन करें गोरा बोराम के 13 पंचायत में, तो ये पंचायत सबसे पिछड़ा हुआ दिखेगा। अब इसके जिम्मेदार पहले के प्रतिनिधि हो या अधिकारी हो, कहा नहीं जा सकता है, लेकिन आप इस गांव पे अगर हम पे मेहरबानी करेंगे तो मनसरा के मेन सड़क जो अभी वर्तमान, आप जाके एक वीडियो बनाकर उसको आप अपने माध्यम से अगर टेलीकास्ट कर देंगे तो मुझ पे बड़ा उपकार होगा, क्योंकि कल या परसों थोड़ा सा बारिश, आधे घंटे की बारिश में हमारे गांव में अभी भी 2 फीट पानी लगा होगा उस रोड पे, आप जाके देख सकते हैं, वहाँ बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो हम तो अनुरोध करेंगे आप लोगों को कि हमारा सहयोग कीजिए ताकि हमारा पंचायत विकास हो सके। आप विदेश से आए हैं, फॉरेन से अपना सारा काम छोड़कर अपने पंचायत में सेवा करने के लिए आए हैं, क्या बात है कि आप विदेश, जैसे जो आपको वहाँ इतना इज्जत था, इतना पैसा था, इतना सुख था, इस सुदूर पंचायत में आए हैं सेवा करने, क्या मकसद है सर? देखिए, हर आदमी को अपने मातृभूमि, जहाँ हमारा जन्म स्थान है, वहाँ से प्रेम होना चाहिए। प्रेम होने का अर्थ है कि हम सऊदी गए थे नौकरी करने, हमारे पूर्वज लोग इस गांव को डील करते थे पहले ज़माने के बाद, लेकिन हम जब आए तो वहाँ देखा कि हम आज भी उसी नाले की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं इससे पहले भी इलेक्शन 2015 में मैं फुल एंड फाइनल अपने गांव की उन्नति और सेवा के लिए आया था, लेकिन बदकिस्मती से उस बार कुछ वोट से मैं पराजित हो गया, मेरे निकटतम प्रत्याशी जीत गए, मैं उनका निकटतम प्रत्याशी बना। उसी संकल्प को दोहराने के लिए मुझे जनता से सहयोग मिला और मैं बहुत बहुत ज़्यादा समर्थन से अपने जनता से आशा करता था कि ये लोग हमें जिताएंगे, और जिताया उन्होंने। तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा विकास है। पहला काम क्या करेंगे? देखिए, शपथ ग्रहण हो गया है, पहला काम तो हमारे गांव में मेन सड़क है जो काफ़ी दर्दनाक है, आप जाके देख सकते हैं,
अब हमारे स्टाफ हमसे जुड़ने वाले जो भी हमारे ग्राम सचिव हों, PRSO हों, ये लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारी मीटिंग होगी, आम सभा करेंगे, उसके बाद उसमें देखेंगे जो ज़रूरत की चीज़ है सबसे पहले उसको प्राथमिकता देंगे, ठीक है ना। ये थे भंसारा पंचायत के नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान इशरत प्रवीण के पति चांद भाई। इस पंचायत के बारे में मैं बता दूं कि ये पंचायत का क्षेत्रफल बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारे गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, और पिछले 15 सालों से इस पंचायत में विकास के लिए पैसा तो सरकार भेजती है लेकिन विकास नहीं हो पाया है। रोड में थोड़ा सा अगर बारिश होता है तो जैसे चांद भाई ने कहा कि यहाँ पानी लग जाता है, मजबूर है यहाँ आज भी विकास के नाम पर यह पंचायत। आगे फिर हम नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के साथ, सरपंच के साथ, वार्ड मेंबर के साथ, जिला परिषद के साथ, प्रमुख के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।